गाइस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ग्रैंड आरपी। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बैंक रॉबरी। अब ये कोई ऑफिशियल बैंक रॉबरी नहीं है, ये बेसिकली एक इवेंट है पिछली बार की तरह, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था। और इस इवेंट में एक बैंक रॉबरी होने वाली है जिसमें हमारे फैमिली के मेंबर्स बैंक रॉबरी करेंगे। हमारे पास एक हॉस्टेज होगा और उसके बाद कुछ पुलिस वाले होंगे और वो हमें बैंक रॉबरी करने से रोकेंगे। हम बिल्कुल जो बैंक का वॉल्ट होता है ना, बस उसके सामने ही होंगे। अगर हमारी टीम जीत जाती है, जो कि हमारे फैमिली मेंबर्स ही हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट होंगे 800K, यानी कि $100,000 ईच। और अगर जो पुलिस वाले हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो उन्हें भी सेम अमाउंट ही मिलेगा। अब मुझे नहीं पता कि कितने मेंबर्स होने वाले हैं, जितने मेंबर्स होंगे उसके हिसाब से प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एंड गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने ग्रैंड आरपी डाउनलोड नहीं किया तो इसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर रजिस्टर कर सकते हो और हमारे साथ भी खेल सकते हो। तो भाई, हम आ चुके हैं बैंक के अंदर और ये है वॉल्ट। मैं बिल्कुल वॉल्ट के सामने ही खड़ा हूँ और यहाँ पर सारे फैमिली मेंबर्स को इनवाइट किया जा रहा है। हम चुन चुन के 8 फैमिली मेंबर्स को इनवाइट कर रहे हैं, तो 8 vs 8 होगा, यानी कि हमारे फैमिली के 8 मेंबर्स और 8 मेंबर्स होंगे पुलिस वालों के। एंड यहाँ पर ना जो हमारा एडमिन है शिवा, ये खुद ही भाई हॉस्टेज बनने वाला है। तो ये काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे, मतलब एडमिन ही भाई हॉस्टेज बन रहा है हमारे लिए, तो काफी अच्छा ही है। थैंक्स भाई। एंड अभी हमारे सारे फैमिली मेंबर्स आ चुके हैं। एंड इवेंट कब स्टार्ट होगा ये तो पता नहीं, एंड कौन सी गन्स होंगी ये भी नहीं पता हमें, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। एंड काफी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल है यहाँ पर, क्योंकि बैंक से पैसे मिलने वाले नहीं है और मुझे ही पैसे देने हैं। ओके, तो हमें LMG मिल चुका है और आई थिंक कि इवेंट भी स्टार्ट हो चुका है हमें बिना बताए। हाँ, इवेंट स्टार्ट हो चुका है गाइज, इवेंट स्टार्ट हो चुका है। और भाई अब देखो, शिवा ने हाथ ऊपर कर लिए, मतलब हैंड्स अप कर लिया इसने और हमारा इवेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले ना मैं आगे जाकर छुप जाता हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं ज्यादा लोगों को मार पाऊंगा। सारे लोग यहाँ सीढ़ी से ही आने वाले हैं, तो सीढ़ी से शूट करना काफी ज्यादा इजी होगा। एंड देखते हैं भाई हम जीत पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि ओ इनके पास रिवॉल्वर है भाई, रिवॉल्वर काफी ज्यादा पावरफुल चीज होती है। एंड LMG भी वैसे कम पावरफुल नहीं है। आप देखो हमारा हॉस्टेज भाग रहा है। बेचारा हॉस्टेज, आई थिंक हॉस्टेज को भी गोली लग चुकी है शिवा को। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एंड भाई मैंने यहाँ पर एक को तो मारा है, एटलीस्ट एक बंदा चला गया, अनकॉन्शियस हो गया। मैंने 2 बंदे मार दिए। एंड भाई मेरे फैमिली मेंबर सारे मर चुके हैं भाई, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, इतने सारे मेंबर्स कैसे मर गए। ओ भाई, तो हमारे फैमिली मेंबर को बिल्कुल टाइम भी नहीं मिला। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो शूट नहीं कर पा रहे थे, उनके पास गन्स थी लेकिन वो शूट नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे मुझे एडमिन ने बताया कि अगर आप इवेंट से पहले कोई भी इमोट वगैरह कर रहे थे तो उस टाइम पे आप गन से शूट नहीं कर सकते, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई फैमिली मेंबर्स के साथ में। लेकिन अभी मेरे एडमिन ने नहीं, मतलब एडमिन ने रिवाइव कर दिया। यहाँ पर हुआ ये है कि इन लोगों ने भाई हॉस्टेज को ही मार दिया। मारो मुझे, जो कि एडमिन था शिवा, हॉस्टेज को ही मार दिया भाई इन लोगों ने। लेकिन फिर भी क्लियरली आप देखोगे तो ये विनर्स ही हैं। अब जैसे विनर्स तुम्हारे फैमिली को मेंबर्स को होना चाहिए था, लेकिन एडमिन कह रहे हैं कि भाई ये विनर्स हैं तो इन्हें पैसे मिलेंगे। और यहाँ पर कितने लोग हैं, आई थिंक यहाँ पर 7-8 मेंबर्स होंगे, तो इन्हें रिवाइव कर दिया गया और इन्हें पैसे मिलने वाले 100,000 ईच। एंड हमारे फैमिली मेंबर्स की लाशें पड़ी हुई हैं, आप देखो। भाई सारे मर चुके हैं, कोई सीढ़ी पर है तो कोई 3-4 बंदे यहाँ पर मरे हुए हैं। मुझे लगा था ना कि वॉल्ट ओपन कर दिया जाएगा और वॉल्ट के अंदर से हम लोग शूट करेंगे और वहाँ पे कवर होगा, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो बिल्कुल भी कवर नहीं था। अगर हमारे फैमिली मेंबर्स चाहते ना तो एक जगह पर शूट कर सकते थे, मतलब सीढ़ी के पास में, और वहाँ से भाई कोई भी नहीं आ पाता क्योंकि उनके पास रिवॉल्वर थी। लेकिन जैसा कि कुछ फैमिली मेंबर्स बोल रहे हैं कि उनकी गन्स नहीं चल रही थी, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि इमोट वगैरह करते टाइम पे शायद उनकी गन्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा या फिर कुछ ग्लिच वगैरह हो गया होगा। तो बाकी इन्हें पैसे देते हैं, यहाँ पर मैं सभी को $100,000 देने वाला हूँ। एंड हाँ, ये जो जितने भी पुलिस वाले हैं ना, ये ग्लोबल प्लेयर्स हैं, मतलब गेम में जो प्लेयर्स खेलते रहते हैं ना उन्हें इनवाइट किया गया था। एंड बाकी जो हम थे, जो हम रॉबरी कर रहे थे यहाँ बैंक की, उसमें हमारे फैमिली मेंबर्स थे। तो भाई ग्लोबल टीम जीत चुकी है और मैंने यहाँ पे सभी को $100,000 दे दिए हैं। एंड काफी बुरा लग रहा है मुझे अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, लेकिन भाई कोई बात नहीं, अगली इवेंट में देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट इवेंट काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हमारे पास 3 हेलीकॉप्टर्स हैं और इस 3 हेलीकॉप्टर में हमारे सारे के सारे फैमिली मेंबर्स बैठ जाएंगे और हमें ना आसमान में काफी ज्यादा ऊपर पॉन किया जाएगा हेलीकॉप्टर के अंदर, और उसके बाद हमें वहां से जंप करना है, पैराशूट ओपन करना है, और पैराशूट ओपन करके हमें फैमिली हाउस पर लैंड करना है। जो भी बंदा फैमिली हाउस पर सबसे पहले लैंड होगा वो विनर होगा और उसे मिलेंगे $500,000। तो भाई ये काफी ज्यादा
ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इससे हमें ये भी पता चलेगा कि हमारे फैमिली मेंबर्स को हमारे फैमिली हाउस के बारे में पता है या फिर नहीं, और वो स्पॉट कर पाते हैं इजिली या फिर नहीं। तो यहाँ पर पहले तो डिसाइड हो रहा था कि हम हेलीकॉप्टर लेकर जाएंगे, बिल्डिंग के टॉप पर जाएंगे हेलीकॉप्टर लेकर, और फिर उसके बाद वहां से जंप करेंगे। लेकिन एडमिन ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसे में प्रॉब्लम हो सकती है, मान लो हेलीकॉप्टर किसी और के ऊपर आ गया या फिर कुछ और ही हो गया। तो इसलिए अभी हमें हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा दिया गया, और अब ऐसा होगा कि हेलीकॉप्टर को टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा आसमान में काफी ज्यादा ऊपर, और उसके बाद फिर हमें हेलीकॉप्टर से जंप करना होगा। तो अभी मैं पायलट था, लेकिन पायलट भी जंप कर सकते हैं, उन्हें हेलीकॉप्टर नहीं चलाना। तो अभी बस हमें टेलीपोर्ट किया जाना ही वाला है बस। ओके, तो हमें टेलीपोर्ट कर दिया गया आसमान में, और अब भाई जंप करते हैं। यहाँ पर अकात्सुकी पेन और अकात्सुकी ओबिटो, इन लोगों ने भी जंप कर दिया। एंड मैं सच बताऊं ना तो भाई मुझे कोई भी नहीं दिख रहा, और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा। एंड मैंने तो पता नहीं मार्क लगाया था या फिर नहीं, और पता नहीं किस जगह का मार्कर है ये, मैंने सेटअप भी ढंग से नहीं किया। लेकिन देखते हैं भाई कि मैं खुद पहुंच पाता हूं या फिर नहीं, क्योंकि मेरा ही घर है ये, और अगर मुझे खुद की लोकेशन नहीं पता है खुद के घर की, तो ये काफी बुरी चीज है और लीडर बनने के लायक नहीं हूं फिर मैं। तो देखते हैं। एंड ये काफी अच्छा है कि इन लोगों ने बहुत ऊपर हमें स्पॉन किया है, क्योंकि भाई यहां से ईजी हो जाता है बिल्कुल। एंड अगर आपने पहले पैराशूट खोल लिया फिर तो आप हार जाओगे, क्योंकि पैराशूट काफी ज्यादा स्लो होता है। लेकिन अब क्योंकि मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा इवेंट में, मैं बस देखने आया हूँ कि किसे घर के बारे में अच्छे से पता है और वो घर पहले पहुंच पाता है या फिर नहीं, इसलिए मैंने पहले ही पैराशूट ओपन कर लिया ताकि मैं दूसरे मेंबर्स को भी देख पाऊँ। लेकिन भाई आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे एक भी मेंबर नहीं दिख रहा है, एंड पता नहीं बाकी कहाँ पर है, कोई अभी घर पे पहुंच पाया या फिर नहीं, वो भी मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया। एंड भाई मैं सच बताऊँ ना तो मेरे सामने घर दिख रहा है मुझे अपना, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई इस पे लैंड कैसे हो मैं, क्योंकि मेरा पैराशूट नीचे ही नहीं जा रहा। ओ भाई ये कैसे हो गया, चलो कोई नहीं भाई, किसी और के घर पे लैंड हो गया मैं। एंड यहाँ से चलते हैं फैमिली हाउस पर और देखते हैं कि विनर कौन है। तो अभी मैं यहाँ पर लैंड हो चुका हूँ, और आकाश की कार्ला भी बिल्कुल मेरे साथ ही लैंड हुआ है। शायद इसे लगा होगा कि मैं सही जगह पर जा रहा हूँ, लेकिन भाई मैं तो स्पेक्टेट कर रहा था। तो भाई ये भी बेवकूफ बन चुका है मेरे साथ में। हम आ चुके हैं बिल्डिंग के टॉप पर, और हमारा विनर है शुभन। तो इसे भी मिलेंगे $500,000, और कॉन्ग्रेट शुभन। मुझे नहीं लगा था भाई कि बाकी लोगों को नहीं पता होगा इवेंट के बारे में, एंड ये थोड़ा बुरा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर 3-4 प्राइजेस रखने चाहिए थे, जैसे कि जो सबसे पहले लैंड होगा उसे 300 के, और जो सेकंड हुआ उसे हम लोग 200, और उसके बाद जो थर्ड लैंड हुआ उसे हम 100,000 देंगे। लेकिन ऐसे में डिटेक्ट करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड यहाँ पर जो लकी है वो पूल के अंदर चला गया था, एडमिन ऐसा कह रहे हैं, वो पूल के अंदर चला गया था, लेकिन उससे पहले शुभम ने बिल्डिंग के टॉप पर लैंड कर दिया। तो बिल्कुल ना के बराबर डिफरेंस था, और बिल्कुल थोड़े से मार्जिन पे शुभम ने जीत लिया इवेंट। तो अभी हम लोग आ चुके हैं SAHP के बाहर, और यहाँ पर एक और इवेंट होने वाला है। और यहाँ पर ऐसा हुआ कि हम सभी फैमिली मेंबर्स के लिए कार स्पॉन की जाएंगी, जो कि है बुगाटी शीरोन, और हमें बुगाटी शीरोन से जाना है कसिनो के पास वाली जो रोड होती है ना, वहां पर जाना है हमें। तो यहाँ से हमें कसिनो जाना है, एंड हमारे लिए कार्स को स्पॉन किया जा रहा है। आप देखोगे तो एक ही टाइप की कितनी सारी कार्स आ चुकी हैं यहाँ पर, और भाई बुगाटी शीरोन चलाने का काफी टाइम से मेरा मन था। मैं सोच भी रहा हूँ कि एक फैमिली के अंदर हम बुगाटी शीरोन लाएं, लेकिन भाई अभी पैसे नहीं है बिल्कुल। इस इवेंट के बाद तो मेरे पास 500K भी नहीं होंगे। तो अभी ना हम लोग कार के अंदर सारे फैमिली मेंबर्स बैठ चुके हैं, और आप देख सकते हो काफी ज्यादा मजा आ रहा है। GTA San Andreas में एक चीट हुआ करता था जिससे सारी कार्स ब्लैक हो जाती थी, तो ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि भाई गेम के अंदर चीट एक्टिवेट हो गया। एंड अभी सारे फैमिली मेंबर्स कार के अंदर बैठ चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मैंने पिछली बार अपनी कार्स को इतना ज्यादा ठोका है, जो मेरा स्किल लेवल है ड्राइविंग का वो ही कम हो गया। तो मेरे पास बुगाटी शीरोन है, लेकिन उसके बाद भी मैं इसे फुल स्पीड पर नहीं चला पाऊंगा, तो ये काफी दिक्कत वाली चीज हो गई। मुझे इवेंट स्टार्ट होने से पहले इसे फिक्स कर लेना चाहिए था, लेकिन भाई कोई बात नहीं। ओके, तो अभी इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ। आर्थर ने बोला है कि वो फ्लेयर गन चलाएगा, और जैसे ही फ्लेयर गन चलती है तो उसके बाद हमें रेस को स्टार्ट करना है। और जो हमारा फिनिश लाइन है वो है कसिनो का बॉर्डर, जो कि कसिनो का रोड ही है अगर आप देखोगे तो। एंड ये था फ्लेयर, और हमारा रेस स्टार्ट हो चुका है। आप देखोगे तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है भाई, इतनी सारी बुगाटी तो कभी भी नहीं देखी गेम में भाई, काफी ज्यादा मजा आ रहा है देखने में। यहाँ पर सबसे पीछे मैं ही हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे पास ड्राइविंग स्किल ही जो है वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है, क्योंकि मैंने अपनी कार्स को काफी ज्यादा ठोक दिया था पिछली बार। एंड इसे फिक्स कर लेना चाहिए था, लेकिन भाई मैं स्पेक्टेट कर ही नहीं पा रहा। अभी हम आ चुके हैं टनल के अंदर,
और यहाँ पर भी मुझे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। शायद सबसे लास्ट में मैं ही हूँ और काफी ज्यादा बुरा लग रहा है यार। मुझे स्पेक्टेट करना चाहिए था एंड पता नहीं विनर कौन है भाई। मुझे कोई आइडिया नहीं कि लास्ट में कौन है, फर्स्ट में कौन है और बीच में कौन है, ये भी मुझे नहीं पता। एंड हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे एडमिन परमिशन मिल जाए और मैं ऊपर से देख लूँ, तो ऐसा नहीं है भाई। मुझे ऐसा नहीं कर सकते ये लोग, क्योंकि मैंने बोला ही था इन्हें कि भाई मुझे पार्टिसिपेट करना है, मुझे नहीं मिला परमिशन। एंड आई थिंक कि विनर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। एडमिन कह रहे हैं कि भाई मेरे फैमिली मेंबर्स को बुगाटी चिरोन चलाने में इतना ज्यादा मजा आ रहा है कि इन लोगों ने फिनिश लाइन के आगे जाकर कहीं और बिल्डिंग के अंदर ही चला रहा है ये लोग, मतलब सिटी के बीच में कार को चला रहा है। तो भाई पता नहीं क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा। आई थिंक कि उन्हें फिनिश लाइन के बारे में नहीं पता होगा, मतलब उन्हें नहीं पता होगा कि कैसीनो के बॉर्डर को क्या बोलते हैं या फिर कहां पर रुकना है, फिर भूल गए होंगे वो। तो कोई बात नहीं, एंड यहां पर हमारा विनर आ चुका है। एंड इस बार ना मैंने ये ध्यान में रखा है कि भाई फर्स्ट विनर को 300K मिले और सेकंड को 200 और थर्ड को 100K, क्योंकि भाई पिछली बार आप लोगों ने देखा ही था कि एक ही विनर था और उस टाइम पे काफी लोग बोल रहे थे कि भाई हमने पहले लैंड किया, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके भाई, तो शुभन कुमार है हमारा फर्स्ट विनर और इसे मैंने ट्रांसफर कर दिए हैं $300,000। डेक्स्टर है हमारा क्वास्टो डेक्स्टर हमारा सेकेंड विनर है और इसे मैंने ट्रांसफर कर दिए हैं $200,000। और इसके बाद हमारा जो थर्ड विनर है वो है अकात्सुकी CRS, तो भाई इसे भी मिले हैं $100,000। लेकिन भाई ये काफी अच्छा बंदा है, ये कह रहा है कि भाई मेरे पैसे किसी और को दे दो, लेकिन मैंने फिर भी इसे 100,000 दे दिए। एंड इसके बाद हमें एडमिन ने मार दिया और हॉस्पिटल भेज दिया। और यहाँ पर CRS भाई एक बस लेकर आया है और इस बस के अंदर सारे फैमिली मेंबर बैठ के जा रहे हैं हमारे फैमिली हाउस पे। CRS ने आई थिंक सभी को पैसे भी डोनेट किए हैं, तो भाई थैंक यू फैमिली मेंबर्स को पैसे डोनेट करने के लिए। तो हाँ, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। एंड अभी तक अगर आपने ग्रैंड आरपी डाउनलोड नहीं किया तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एंड आप वहां से जाकर रजिस्टर कर सकते हो और हमारे साथ भी खेल सकते हो। फैमिली का डिस्कॉर्ड लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।